नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग को एक बड़ी कामयाबी मिली है। चुनाव आयोग के टीम ने 4,30,00,000 रुपए बरामद की है। आपको पता है कल 21 तारीख है, यानी 21 अक्टूबर है। 21 अक्टूबर को मतदान होगा और महाराष्ट्र में चुनाव होना है, और ऐसे में चुनाव आयोग के तरफ से जगह जगह नाकाबंदी चल रही है। हर गाड़ियों को रोककर चेकिंग किया जा रहा है, लेकिन मुंबई के वर्ली सिफेल पर चेकिंग के दौरान टेम्पो में 4,30,00,000 रुपए से लदा हुआ कैश पकड़ा गया है। फिलहाल कैश को जब्त कर लिया गया है और इसकी सूचना भी आयकर विभाग को दी गई है। आयकर विभाग इस मामले की छानबीन कर रही है। आखिर इतना बड़ा रकम यानी कैश देना बैंक से लेकर वर्ली में किधर जा रहा था, अभी यह खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन टेम्पो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी टीमें जांच करने में जुटी है। जो टेम्पो चालक है उसको इस 4,30,00,000 के बारे में कुछ नहीं मालूम है। इस बीच टेम्पो चालक ने क्या कहा है, कहां से रहते हैं, कौन से बैंक से लेकर आ रहे हैं? बैंक से आए। जाना कहां था, जाना कहां था? इधर ही वर्ली में आना था किधर। अच्छा, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, कोई पुलिस नहीं थी गाड़ी में बैठे? इतना सारा पैसा ऐसे लेके जा रहे थे? मुझे मालूम ही नहीं कैश डाला है, बस मेरे को बाहर नाके बैठा था। तो आपने सुना, एक बड़ी कामयाबी मिली है फिलहाल चुनाव आयोग को। वर्ली से जो है एक टेम्पो जो है जिसमें 4,30,00,000 रुपए था, वो चुनाव आयोग की टीम जो है जो चेकिंग कर रही थी, चेकिंग के दौरान टेम्पो से बरामद जो है पकड़ी है। और टेम्पो चालक को ये नहीं पता था कि मेरे गाड़ी में क्या रखा हुआ है। फिलहाल जांच का विषय है और पुलिस जांच कर रही है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।